क्या कहता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, क्या कैलकुलेट करना है जो पूछा जाए, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ये पहले नहीं किया था ना हमने। चलो किसी का डाउट आ रहा है, पहले डाउट देख लेते हैं, साथ के साथ चलेंगे। नहीं, यस सचिन डाउट बताइए, शायद हेनरीज एक्सेप्टेड नहीं हो पा रहा है। चलिए आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है हर केस में, हर केस में कंट्रीब्यूशन निकालना है। मैं एक काम करूं, ये सवाल करके कुछ सवाल आपको खुद करने के लिए दूंगा। पॉइंट नंबर वन, क्या दे रखा है सर, MOS दे रखा है, किसमें दे रखा है, रुपीज में दे रखा है 15,000, FC दे रखा है, कितना दे रखा है सर 25,000, और PVR दे रखा है, कितना दे रखा है 30% दे रखा है। तो आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो PVR का फॉर्मूला खोलोगे तो आराम से निकल जाएगा कंट्रीब्यूशन का। लेकिन आपको MOS दे रखा है कितना सर 15,000 रुपए, 15,000 रुपए MOS है, और हमारा एक्चुअल सेल्स क्या होता है। सबसे पहले हम PVR का ही फॉर्मूला खोल लेते हैं सर, PVR का फॉर्मूला क्या होता है सर, हमारा होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू में 100, यही होता है ना। तो हमें PVR पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता, सेल्स पता है क्या, यानी इन दोनों में से एक बात पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है, इन दोनों में से एक बात पता चल जाए तो बात बन सकती है। अब हम निकाल लेते हैं, चलो इन दोनों में से निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन PVR दे रखा है, PVR हम यहाँ रख देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, MOS दे रखा है, MOS कितना है हमारा सर, MOS है 15,000, और ये दे रखा है हमें FC दे रखा है हमें, और हमें PVR भी दे रखा है। तो हम यहाँ से सेल्स निकाल सकते हैं। आप देखो कैसे निकालेंगे, MOS रुपीस के टर्म्स में हो तो हम क्या लिख रहे थे, प्रॉफिट अपॉन में PVR, यही करा था ना हमने। तो MOS रुपीस के टर्म्स में है, तो रुपीस के टर्म्स में कितना है सर 15,000 है। प्रॉफिट हमें पता है, नहीं पता प्रॉफिट, पता है प्रॉफिट हमें, प्रॉफिट भी नहीं पता है ना। PVR पता है, हाँ ठीक है, प्रॉफिट नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन PVR तो पता है 0.3, इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट आएगा हमारा 4,500 रुपए प्रॉफिट आ गया। अब तो कंट्रीब्यूशन निकल ही जाएगा, आपको प्रॉफिट भी पता चल गया और क्या पता चल गया, फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस में FC, जो कि आता है हमारा कितना सर, ये आता है 25 प्लस में 45, 25,000 प्लस में 4,500, दैट इज 29,500। तो देखो सवाल के अंदर देखने के बाद, जैसा आप हो ना वैसे मैं भी सोचता हूं कि क्या यहां पे किस वे से निकाला जाए, तो फिर वो सोचने के बाद ही पता चलता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है सवाल को। पॉइंट वन डन। पॉइंट टू, ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट इन दिस केस। तो प्रॉफिट तो निकाल ही लिया भैया, क्या पूछा था वो निकाल ही लिया। ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, PV रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है आपको ऑलरेडी, तो ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है और क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और PV रेशियो दे रखा है। पूछा क्या गया है, कंट्रीब्यूशन। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है सर, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाय क्या, PVR, यही कहता है। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है सर 40,000 रुपीज, FC कितना है नहीं पता, रहने दो। PVR पता है क्या, पता है 0.4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, FC इज इक्वल टू 16,000, और अब आपके पास प्रॉफिट भी है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अब इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना दे रखा है 10,000 और प्लस में 16,000, दैट इज कितना आ गया निकल के 26,000। पॉइंट नंबर टू भी खत्म हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज के टर्म्स में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है और क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट गिवन है। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, PVR होता है हमारा। चलिए हमारा MOS अगर परसेंटेज में दे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, MOS अगर हमें परसेंटेज में गिवन है ना, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो 100, एक मिनट, सवाल नंबर तीन,
तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, किस टर्म में, परसेंटेज के टर्म्स में। कैसे निकालेंगे सर? परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं 100 माइनस में 40, यानी सर ये आ गया हमारा 60%। लेकिन यहाँ से तो कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, यहाँ से तो कोई रिजल्ट हमें मिलना नहीं है। तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 30,000, एम ओ एस दे रखा है हमें ये, अगर प्रॉफिट इंटू एम ओ एस का परसेंटेज कर दें तो आ जाएगा 12,000। वो आएगा 12,000 रुपये हमारा सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें निकालना क्या था? ईच केस में कंट्रीब्यूशन। तो एक फॉर्मूला अगर हम लगाएं यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, एक मिनट, 30,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 75,000 रुपये हमारा सेल आ जाएगा। 75,000 सेल्स है तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 60%। 45,000 प्रॉफिट पता है हमें, प्रॉफिट का क्या करना है, फिर काम ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट पता है हमें, सेफ्टी होता है। एक बार बुक में देखो, किसी के पास बुक है तो ये है, दे रखा है, कुछ और दे रखा है। सवाल नंबर है 9, क्योंकि कई बार एरर हो जाता है। हम अननेसेसरी कहते रहते हैं, तो रहते हैं। तो इसका, या तो इसका मतलब बना ही लेते हैं, लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला। कहाँ गया, कहाँ गया, शायद मैंने यहाँ लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू में एम ओ एस का परसेंटेज, ये भी एक फॉर्मूला होता है, तो यही लगा के निकालते हैं। सारे फॉर्मूले एक बार मैं लिख दूंगा, पहले सारे सवाल में निकल जाए और मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा, अपने आप बन जाएगा वो। चलिए यहां से यही लगा लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या बताया था, प्रॉफिट इंटू में क्या, एम ओ एस का परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना है सर? 30,000, और 30,000 का एम ओ एस का परसेंटेज 40% है, तो कितना आ गया सर, कितने आ गए ये 12,000। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, मैं इस पर स्टार भी बना देता हूँ क्योंकि पूरा टाइम लगेगा ना मुझे एक्सप्लेन करने में। अब पी वी रेशो की बात करते हैं, 40% दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, तो बड़ी सीधी सी बात है, ये वाला कैसे निकालोगे? ये तो सिंपल है, पहले आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे। कैसे निकालोगे फिक्स कॉस्ट? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पहले आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे, क्या कहता है फिक्स कॉस्ट? पीवीआर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या कहता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू एफसी डिवाइडेड बाय पीवीआर। सर ब्रेक इवन पॉइंट भी सवाल में गिवन है, कितने गिवन है सर? 1,00,000। एफसी नहीं गिवन, छोड़ दो, पीवीआर गिवन है सर, कितना? 0.4। मल्टीप्लाई कर दो, एफसी आ गया, कितना आ गया सर? एफसी 40,000 आ गया। प्रॉफिट आपको गिवन है सर, प्रॉफिट कितना गिवन है सर? आपको 50,000 गिवन है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया सर? 90,000। ये भी हो गया डन। अगला मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 40,000, यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 3 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 30,000।
तो आप यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आपको दे रखा है तो आपको, दो मिनट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या कर सकते हैं, MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4000 और ये भी सर यूनिट में है, कंट्रीब्यूशन ये भी सर आपको पर यूनिट दे रखा है और फिक्स कॉस्ट भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे फटाफट से, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन करके ब्रेक इवन पॉइंट का एक परसेंटेज निकाल लोगे, और ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज निकालने के बाद, या मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू सर क्या होता है हमारा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, CPU। तो फिक्स कॉस्ट कितने हैं सर आपको गिवन है, 30,000, 30,000 डिवाइडेड बाय कितने CPU, 3 रुपए, तो कितने आ गए 10,000। तो 10,000 ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है और आपका 4,000 ये वाला है, तो टोटल सेल कितना यूनिट हो रहा होगा हमारा, टोटल सेल्स कितने यूनिट का हो रहा होगा, तो दैट इज 14,000 यूनिट हो रहा होगा, हाँ या ना। अगर टोटल सेल हमारा 14,000 यूनिट है और कंट्रीब्यूशन 3 रुपए है, तो कंट्रीब्यूशन क्या निकलेगा सर, 14,000 यूनिट इंटू में 3 रुपए, यानी दैट इज 42,000 रुपीज, इसका भी आंसर हो गया। ये तो हमने पूरे पूरे आंसर इसके कर लिए, बच्चों ने बता भी दिया था 42, ऑलरेडी पहले भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ये मैं कराऊंगा, 14, 15, 15, अगली क्लास में आप 20 तक क्वेश्चन करें होमवर्क में, अप टू 20, मैं 20 क्वेश्चन के सारे डाउट लूंगा अगली क्लास में। टॉपिक देखो जो कराना था वो हो गया, अगली क्लास में मैं 20 तक क्वेश्चन जो भी बताओगे आप कमेंट में, मैं उन सभी को बोर्ड पे करता जाऊंगा। तो 20 क्वेश्चन तक के क्या लेने वाला हूं मैं अगली क्लास में, डाउट लेने वाला हूं, तो 20 क्वेश्चन के डाउट होंगे। तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।